नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हूं मेष राशि का मासिक राशिफल जून 2019 को लेकर के क्या खास रहेगा मेष राशि के जातकों का, जून के माह में क्या कहते हैं इनके तारे, जहां ग्रीष्म ऋतु गर्मियों का यह मौसम, वहीं ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कैसे आपके आय रहने वाली है, कार्य क्षेत्र में आपको क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं और कैसा आपका स्वास्थ्य रहने वाला है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जून के माह में कौन से वह दिन हैं जिन दिनों में आपको बहुत सतर्क रहना है, सावधानी से कार्य करने हैं ताकि आपको कोई हानि ना हो, और साथ ही बताऊंगा कौन से वह दिन हैं जिनमें आप अपने परिश्रम के माध्यम से अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यह राशिफल प्रारंभ करूं, उससे पूर्व मैं यह बता दूं कि यह राशिफल चंद्र कुंडली के माध्यम से तैयार किया गया है। जो ग्रहों के गोचरीय व्यवस्था है वह चंद्र कुंडली के माध्यम से देखी गई है, तो अर्थात इसको लग्न कुंडली से न जोड़े। यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा एक अंक जहां पर लिखा है वहां विराजमान है तो आपकी मेष राशि बनती है, और यह राशिफल निश्चित रूप से आपके लिए है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि के जातकों की ग्रह गोचर व्यवस्था कैसे रहने वाली है जून के माह में। मेष राशि का स्वामी मंगल और राहु की युति मिथुन राशिगत तृतीय स्थान पर बनी हुई है, वहीं सूर्य बुध और शुक्र वृषभ राशिगत है द्वितीय स्थान पर, देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशिगत अष्टम स्थान में विराजमान है, तो वहीं शनि और केतु की युति भाग्यस्थ होकर के धनु राशि में स्थित है। चंद्रमा की बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट जून 1 तारीख को बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वह मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे, मंगल और राहु की साथ युति बनाएंगे। तो वहीं 4 तारीख को शुक्र भी अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र जो मेष राशि में स्थित थे वह 4 तारीख को वृषभ राशि में आ जाएंगे। वहीं 15 तारीख को सूर्य अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और वह मंगल और राहु के साथ मिथुन राशि में आ जाएंगे। 20 तारीख को पुनः बुध अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वह कर्क राशिगत चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे, तो वहीं 22 तारीख को आपके राशि स्वामी जो कि अभी तक अंगारक दोष से ग्रसित थे वह कर्क राशि में आ जाएंगे, चंद्रमा की राशि में चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे। वहीं 28 तारीख को शुक्र भी अपने राशि परिवर्तन करेंगे पुनः और वह मिथुन राशिगत आ जाएंगे। तो ग्रहों की इस गोचरीय व्यवस्था से, इस गोचर से आप पर क्या लाभ हानि होने वाला है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं आपके स्वास्थ्य के प्रति। यदि मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर एक दृष्टि डाली जाए तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान में है, जो कि पेट से समस्या करते हैं, उदर विकार आपको हो सकते हैं, लीवर में इंफेक्शन इत्यादि आपको रह सकता है। वहीं मंगल आपके राशि स्वामी जो है तृतीय स्थान पर है और वहां पर मंगल और राहु की युति है, तो ऐसे में आपको ब्लड प्रेशर, रक्त संबंधित दिक्कतें आपको उत्पन्न हो सकती हैं, एलर्जी, फोड़े फुंसी इत्यादि भी आपको रह सकते हैं।
तो ऐसी स्थिति में आप निरंतर हनुमान जी का पूजन इत्यादि करें, हनुमान मंदिर में जाकर बजरंग बाण इत्यादि का पाठ करें और वाहन से यथासंभव दूर रहें। यदि आप वाहन चालक हैं, वाहन चलाते हैं, तो आपको बहुत ही सतर्कता से अपना वाहन चलाना होगा। वहीं जब 15 तारीख के बाद सूर्य मिथुन राशि का आ जाएंगे तो आपको सरदर्द की प्रॉब्लम हो सकती है और आंखों से पानी आना, आंखों में जलन होना इत्यादि चीजों से आपको समस्याएं आ सकते हैं, तो आपको निरंतर सूर्य अर्घ भी प्रदान करना चाहिए। वहीं आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र के स्वामी शनि बनते हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान में है, साथ में केतु विराजमान है, तो कार्य क्षेत्र में आप निरंतर वृद्धि करने वाले हैं। वहीं जब 20 तारीख को बुध और 22 तारीख को मंगल चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे तो आपके जो कार्य हैं, जो आपके अभी तक रुके हुए कार्य थे, वह निर्विघ्न इस जून में अंतिम सप्ताह में पूर्ण होंगे। आपको नई खुशी मिलेगी और अपने कार्य क्षेत्र से आप नई ऊर्जा प्राप्त करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है कार्य क्षेत्र में, और यदि विशेषकर आप व्यापार वर्ग से हैं, आप प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करते हैं, भूमि और कंस्ट्रक्शन के कार्यों से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए निश्चित रूप से सफलता का बहुत बड़ा एक स्थिति बनने वाली है, बहुत बड़ा मार्ग आपको सफलता का मिलने वाला है। वहीं बात करें आपके आय की, तो आय के स्वामी भी आपके शनि बनते हैं और शुक्र और सूर्य जब तक वृषभ राशिगत रहेंगे तब तक आपको आय संबंधित कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाले हैं। धन भाव में शुक्र हैं और उसके साथ सूर्य भी विराजमान हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में 15 तारीख तक आपके लिए धन से कोई भी चिंता, कोई भी भय आपको नहीं रहने वाला है। धन आपके पास निरंतर आता रहेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र, आपका कोई भी कार्य धन के बगैर रुकने वाला नहीं है। वहीं विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो जबरदस्त कंपटीशन देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन 22 तारीख के बाद यदि आपके लिए विद्या के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आप अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, मन चाहे विद्यालय में एडमिशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितियां बन रही हैं। अब बात चंद्रमा की करें तो मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह है, यह 2 से 2.25 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। जब भी चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त होते हैं तो वह एक बहुत ही अच्छा योग बनाकर शुभ फल प्राप्त करवाते हैं, लेकिन जब चंद्रमा राहु केतु शनि इत्यादि ग्रहों से, क्रूर ग्रहों से युक्त होते हैं तो वहां पर ग्रहण योग, विष योग इत्यादि योगों से जातक के मन को भ्रमित करते हैं और हमें अपने कार्य क्षेत्र में मन नहीं लगता है, हमारे कार्य क्षेत्र को लेकर के हमें आलस आता है और कई प्रॉब्लम हमें आते हैं, मानसिक चिंताएं इत्यादि हमें परेशान करते हैं। तो वही तारीखें मैं आपको बताने वाला हूं जिन तारीखों में आपको विशेष सतर्क रहना है। तो तारीख 4, 5, 11, 12, 15, 16 और 18 तारीखें आपके लिए विशेष सावधानी और सतर्कता रहने वाली तारीखें होंगी। इसमें अपने कार्य क्षेत्र में आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा और वही तारीखें 2, 3, 4, 6, 7, 20 और 21 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी तारीख है। यदि आप इसमें अपने दिल से अपना कार्य करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आपका यह माह शुभ हो, यही हम मंगल कामना करते हैं।